हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। आज का टॉपिक मैंने बहुत ही यूनिक चुना है और वो ये है कि बहुत लोग सोचते रहते हैं कि यार हम भी एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें, कब करें, कैसे करें, पता नहीं यूट्यूब चैनल से कितनी इनकम होती होगी, सिक्योरिटी होती होगी कि नहीं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस सारी चीज़ों के बारे में मत बताऊंगी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि मुझे कितनी इनकम होती है, या फिर अगर मैं अभी किसी प्राइवेट जॉब में होती तो मुझे वहां कितनी इनकम हो रही होती और यूट्यूब से मुझे कितनी इनकम होती है। तो चलिए लेट्स फाइनली स्टार्ट आवर वीडियो। यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का कोई भी परफेक्ट समय नहीं होता है। आपको लगता है कि आपके अंदर कोई टैलेंट है, कोई स्किल है जिसको आप शेयर कर सकते हैं, या फिर आप अच्छा गाना गा सकते हैं, डांस कर सकते हैं, या फिर अच्छी बातें कर सकते हैं, लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल अपना यूट्यूब चैनल कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। आजकल परसों कॉम्पिटिशन की बात करें तो कॉम्पिटिशन हर फील्ड में है, ऐसे यूट्यूब में भी है। लेकिन अगर आपके अंदर कुछ अलग है और अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं तो आप जरूर यूट्यूब पे कुछ ना कुछ कर सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं बिल्कुल। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि सक्सेसफुल की डेफिनेशन क्या है, कितने सब्सक्राइबर्स होने पे सक्सेसफुल बोला जाता है, बट हाँ, अगर आपके अंदर क्षमता है, कोई टैलेंट है, कुछ भी अगर आपको आता है, किसी भी चीज में आप अच्छे हैं, नॉलेज शेयर कर सकते हैं, तो आप जरूर एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। बात आती है कि एक प्राइवेट जॉब और एक यूट्यूब चैनल में से दोनों की इनकम कितनी ज्यादा होती है। देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे औरों का नहीं पता, मैं अपनी बात करूं, मैंने अभी बीए करा है और बीए की डिग्री लेके अगर किसी को मेरा टैलेंट नहीं पता हो, या किसी ने मुझे देखा नहीं हो, या किसी को नहीं पता हो कि मैं अच्छा बात कर लेती हूँ, या मेरे अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, या जो भी है, तो बीए की, सिर्फ बीए की डिग्री के बेसिस पर अगर मैं प्राइवेट कहीं जॉब करने भी जाऊंगी तो कोई मेरी सीवी देखेगा तो वो ये देखेगा कि उसने बीए करा है, तो शायद हो सकता है मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल ही ना आए। वो बात एक अलग है कि अब डिग्री के बेसिस पे जॉब नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी अगर कोई प्राइवेट आपको जॉब देगा तो आज की डेट में 10,000-12,000 स्टार्टिंग में मिल जाए तो वही बहुत होते हैं। और अगर मैं यूट्यूब चैनल की बात करूं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई बताता नहीं है ये, मैं बट आई एम टेलिंग यू कि जितना मैं अगर एक प्राइवेट जॉब में शायद आज की डेट में अर्न कर रही होती एक दो साल में प्रमोशन वमोशन के बाद भी, मैं उससे ज़्यादा ही इस यूट्यूब चैनल से, मेरा जो ये मेन एजुकेशनल चैनल है उससे मैं अर्न कर रही हूँ, एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। और इसमें कोई भी छुपाने की बात नहीं है कि मैं बोलूँ कि मैं तो समाज सेवा कर रही हूँ। हाँ, मैं कर रही हूँ, मैं लोगों की हेल्प कर रही हूँ, बट एट द सेम टाइम आई एम अर्निंग ऑल्सो। ठीक है, तो ये चीज़ है। तीसरी बात ये आती है कि दोनों में सिक्योरिटी किस में, देखिए मेरा ऐसा मानना है कि सिक्योरिटी ना गवर्नमेंट जॉब में है, ना प्राइवेट जॉब में है, ना यूट्यूब चैनल में। क्या पता आपकी लाइफ कब तक है, क्या पता अब मैं ये सोचूं कि मैं प्राइवेट जॉब कर लेती हूँ, यूट्यूब चैनल छोड़ देती हूँ, तो क्या पता कल को मेरे को जॉब से निकाल दिया जाए, या मुझे उतनी अच्छी जॉब ही ना मिले। हाँ, ये भी हो सकता है कि कल को मेरा यूट्यूब चैनल बंद हो जाए, व्यूज ना आए, तो मुझे अर्निंग ना हो। गवर्नमेंट जॉब में ये हो सकता है, अरे हमारी लाइफ ही नहीं हो उतनी जब तक हम इतना अर्न करें या कुछ भी, तो मुझे नहीं लगता कि सिक्योरिटी का कुछ ऐसा इशू है। हमें नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, प्राइवेट जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में, यूट्यूब चैनल में, तो सिक्योरिटी का ऐसा मुझे कुछ लगता नहीं है। और ये बात करें कि दोनों में से कौन सा इजी है ज़्यादा, तो देखिए स्टार्टिंग में प्राइवेट जॉब पाना इजी है, क्योंकि आप कहीं पे भी जाओगे आपको स्टार्टिंग में भले वो आपको 8-10 हज़ार देंगे या 5,000 देंगे, आपको पता होगा कि आप मेहनत करोगे आपको फिक्स अगले महीने सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हो तो आपको नहीं पता कि आपको कब आपकी इनकम आएगी, कब आपका चैनल मोनेटाइज होगा। और ये भी हो सकता है कि आपके आपने जो हार्डवर्क किया है उस पर 4-6 महीने वो बर्बाद चला जाए, आपका चैनल ही ना मोनेटाइज होए, व्यूज ही ना आए, आप डीमोटिवेट हो जाएं, तो इसके भी चांसेस है। बट लेकिन अगर आप प्राइवेट जॉब करोगे कुछ भी, तो आपको पता होगा कि आप इतने घंटे दे रहे हो तो आपको इतनी सैलरी मिलेगी, इतना फिक्स अमाउंट मिलेगा, ये बात है। लेकिन एक बात यह है कि प्राइवेट जॉब में आपको अगर आप सक्सेसफुल, अगर आपको जॉब भी मिल जाती है तो थोड़े साल बाद आपका प्रमोशन होता है और थोड़े बहुत कुछ 4-5 हज़ार आपके बढ़ जाते हैं, 3-4 हज़ार बढ़ते होंगे, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है। मैं अगल बगल जिन लोगों को देखती हूँ उन लोगों के बेसिस पे बता रही हूँ, क्योंकि मैंने कभी किसी प्राइवेट जॉब के लिए आज तक अप्लाई नहीं करा, आज तक इनफैक्ट मेरी सीवी भी नहीं बनी हुई है। तो जितना मैं लोगों को देखती हूँ उस बेसिस पे मैं बता रही हूँ, मेरा पर्सनल प्राइवेट जॉब में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा यूट्यूब चैनल में। लेकिन यूट्यूब चैनल के साथ ऐसा होता है कि एक बार अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, बूस्ट हो गया और लोग आपको जानने लगे, आपके व्यूज आने लगे, सब्सक्राइबर्स आने लगे, तो आपके पास इतना इतनी अपॉर्चुनिटी आएगी, इतना पैसा आएगा कि आप खुद भी नहीं सोच सकते थे कि कभी ऐसा होगा। लेकिन उसमें आपको टाइम लगेगा,
उसमें आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए, आपका हार्डवर्क होना चाहिए। प्राइवेट जॉब में ऐसा होता है कि आपकी, अगर आपका मन नहीं कर रहा है, आपको फीवर है, आप छुट्टी ले सकते हो। यूट्यूब चैनल पे अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करोगे तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं। यूट्यूब धीरे धीरे करके आपके व्यूज डाउन कर देगा और आपका यूट्यूब चैनल डेड हो जाएगा। ठीक है, ये भी बात होती है कि आपको हंस के आके कैमरा के सामने वीडियो बनानी होती है। अगर आप ये फेस वाली वीडियो बनाते हो जैसे मैं बनाती हूँ, तो आप रो रहे हो या आपके घरों में कुछ चल रहा हो या आपका कुछ अंदर चल रहा हो, वो कैमरे पे नहीं शो होता है। हमेशा स्माइलिंग फेस के साथ वीडियो बनानी रहती है। तो ये भी अपने आप में एक स्ट्रगल है। और यूट्यूब चैनल के साथ एक ये भी होता है, एक फेज आता है जब आपने बहुत मेहनत करी होती है, सब करा होता है। कभी कभी किसी महीने ऐसा होता है कि आपको बिल्कुल भी अर्निंग ना हो, जीरो हो, ऐसा भी हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लाखों में अर्निंग होती है। तो ये चीज भी होती है, इस चीज के लिए भी रेडी होना चाहिए। यूट्यूब चैनल बेसिकली एक टाइप की प्रॉपर्टी है, एक टाइप का बिजनेस है। बिजनेस में लॉस और प्रॉफिट तो होता है, लेकिन जो प्राइवेट जॉब होती है उसमें ये होता है कि आपको एक फिक्स अमाउंट, आपको पता होता है कि इस डेट पे मुझे फिक्स अमाउंट मिलेगा। यूट्यूब चैनल में थोड़ा सा आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इस महीने आपको इतने पैसे मिलेंगे या इस महीने आपका रेवेन्यू इतना होगा। वो डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ व्यूज पे, आपकी क्या वैल्यू है यूट्यूब पे, कितना लोग आपको फॉलो करते हैं, कितना आपका एंगेजमेंट रेट है, या फिर कितने आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है। बात आती है कि क्या मुझे स्पॉन्सरशिप मिलती है, तो आई वोंट लाई, यस मुझे मिलती है और मैं करती भी हूँ प्रमोशंस। इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। अगर मैं एक यूट्यूब चैनल चला रही हूँ, अभी आपको बैकग्राउंड में मैं दिखा नहीं सकती, वरना दिखा देती, आपने देखा भी होगा। इतना बड़ा, बहुत बड़ा सेटअप तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन जो भी मैं इस यूट्यूब चैनल के लिए लाइटिंग, कैमरा, माइक, सारी चीज़ों करती हूँ, उसके लिए मुझे भी पैसे चाहिए होते हैं, तो वो मैं कैसे अर्न करूँगी। तो ये चीज है और इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। अगर अगर कोई अच्छी चीज है तो उसका प्रमोशन करने में कोई भी बुरी बात नहीं है। हाँ, अगर मैं ड्रग्स का प्रमोशन कर रही हूँ, अल्कोहल का प्रमोशन कर रही हूँ, या फिर कोई कोई गलत चीजों का प्रमोशन कर रही हूँ, तो दैट इज रॉन्ग। जो मेरी ऑडियंस के लिए अच्छा है मैं उसका प्रमोशन कर रही हूँ, तो उसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। और हर एक यूट्यूबर ये करता ही है। वो बात अलग है कि मैंने यहाँ खुल के बोल दिया, लेकिन हर एक यूट्यूबर ये करता है। ठीक है, तो यही बात है। ये था एक जनरल सा कंपैरिजन। और अगर आप चाहते हैं तो आप एक YouTube चैनल बना सकते हैं, नहीं चाहते तो नहीं बना सकते। ये वीडियो मैंने एक जनरल वे में बनाई है, इसका तात्पर्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको अपनी पढ़ाई छोड़ के YouTube चैनल स्टार्ट कर देना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मैंने एक जनरल वे में सभी के लिए बनाई है, चाहे कोई किसी एग्जाम के लिए पढ़ रहा हो, ना पढ़ रहा हो, प्रिपेयर कर रहा हो, ना कर रहा हो। ओके, तो अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप लोगों का इसके बारे में क्या ओपिनियन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, बाय, टेक केयर।